जनरली जब हम एज ए लेमैन लैंग्वेज हम बात करते हैं तो लेमैन लैंग्वेज में हम बस एक 3 डिजिट का स्कोर की बात करते हैं, 450, 500, 300, 850, 750 ऐसा हम बोल देते हैं। लेकिन अगर हम डेफिनेशन को देखेंगे, मीनिंग देखेंगे इस क्रेडिट स्कोरिंग का, तो क्रेडिट स्कोरिंग कुछ नहीं बल्कि लॉ में इसका डेफिनेशन दिया गया, क्लियरली बता दिया है। क्रेडिट स्कोरिंग मतलब इट्स अ काइंड ऑफ ए सिस्टम जो कि एनेबल करेगा किसी भी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को कि क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जो कैपेसिटी है या क्रेडिट वर्दीनेस है किसी भी बोरोवर की, उसको एसेस कर सके। क्रेडिट इंस्टीट्यूशन ये जान सके कि जो बोरोवर है अगर वो लोन लेगा क्या उसका रीपेमेंट ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकता है, क्या उसकी कैपेसिटी है लोन को रीपे करने की। तो एक ऐसा सिस्टम जिसकी बदौलत क्रेडिट इंस्टीट्यूशन एसेस कर सके क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ बोरोवर, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट स्कोरिंग। और यहीं पर ये स्कोर्स आ जाते हैं, स्कोर्स वगैरह को लगा दिया गया है। जितना ज़्यादा आपका स्कोर होगा मतलब आपकी क्रेडिट वर्दीनेस हायर है और आपको आसानी से लोन वगैरह मिल जाता है। क्रेडिट स्कोरिंग बेसिकली एक सिस्टम होता है जो कि फैसिलिटेट करता है क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को एसेस करने के लिए कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस कितना है। जनरली जो क्रेडिट स्कोर होता है, क्रेडिट स्कोर बेसिकली ये रेंज में होता है फ्रॉम 300 टू 850। और ये जो क्रेडिट स्कोर है ये बेसिकली एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द रिस्क विच यू पोज टुवर्ड्स एनी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जितना अच्छा आपका क्रेडिट स्कोर होगा उतना ही बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रिस्क कम होगा और आपको आसानी से लोन या कोई भी क्रेडिट कार्ड आसानी से मिल सकता है।